स्टूडेंट पीकेएस प्रोजेक्ट क्लासेज में आपका स्वागत है, वेलकम। आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। आज का जो टॉपिक है किसी कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। P1 P2 प्लेट है, यहाँ पर P1 इज द फर्स्ट प्लेट, P2 इज द सेकेंड प्लेट, हैविंग पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक रख दिया, दिस इज द डाइइलेक्ट्रिक प्लेट। P1 P2 प्लेट्स हैं जिसमें P1 पर पॉजिटिव चार्ज है, P2 पर नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू इंडक्शन। यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक रखा, अब यहाँ पर इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होते हैं इस वाले इंटरफेस पे। यहाँ पॉजिटिव है तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा और इस वाले इंटरफेस पे चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव है। इस वाले इंटरफेस पे भी जो P2 प्लेट का आउटर इंटरफेस है, जो आउटर फेस है, सरफेस है, इस P2 प्लेट के जो आउटर सरफेस है उस पर भी यानी इंडक्शन की वजह से चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन उसका कनेक्शन हमने अर्थ से किया हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट का पूरा पूरा अर्थ में चला जाता है। हम जानते हैं अर्थ बहुत बड़ा यानी कि कैपेसिटी होती है अर्थ की, बहुत कितना भी यानी कि वो कैपेसिटी चार्ज को कितना भी अडॉप्ट कर सकती है, इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। अब पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो इन प्लेटों के बीच में जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, उसका डायरेक्शन यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर हो गया, जो इन दोनों प्लेटों के बीच है, P1 P2 प्लेटों के बीच, ये E है। अब यहां पर जो है दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से हुआ है। इंड्यूस चार्जेस यहां पे माइनस और ये प्लस है, ये माइनस और प्लस जो चार्ज है जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से इस डाइइलेक्ट्रिक पर प्रोड्यूस हुए हैं वो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, और वो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा इस P1 P2 प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट मीन्स यहाँ पे इस अपोजिट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मैन का जितना भी है और जो इंटरनल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो उसकी वैल्यू क्या करेगा, कम करेगा, रिड्यूस करेगा। जब रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंटेंसिटी रिड्यूस कर देगा बिटवीन, और रिड्यूस जब करेगा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी रिड्यूस हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होता है यानी कम होता है, डिक्रीज होता है, तो वो उसका रिवर्स है, इसका मतलब उस कैपेसिटी जो उस कैपेसिटर की होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर यानी कि डाइइलेक्ट्रिक का क्या फंक्शन हुआ कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर डाइइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो उसका फंक्शन है कि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज ड्यू टू द डाइइलेक्ट्रिक्स, ये आज का टॉपिक है, आज की बात है। पीकेएस फिजिक्स क्लासेस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।